एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के नारघाट स्थित डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरदीप ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व एजुकेशन वर्ड द्वारा 1000 विद्यालयों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल को बेहतर सोशल इम्पैक्ट के लिए भारतवर्ष में तीसरा स्थान, उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान और एकेडमी में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस अनवरत श्रृंखला में इस वर्ष 11 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर मिर्जापुर को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व को अविस्मरणीय बनाने के लिए कंतित स्थित द स्ट्रीट में 41 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग बनाया जाएगा। 15,600 वर्ग फीट एरिया में सुंदर कलाकृति पूर्ण रंगोली बनाई जाएगी। समस्त डेफोडिल परिवार और मिर्जापुर वासियों की खुशहाली एवं बेहतर भविष्य के लिए आराधना स्वरूप 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग निर्मित किए जाएंगे तथा रुद्राभिषेक भी होगा। अनेक प्रकार की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। देवधिदेव महादेव की जीवंत आरती और संसर्ग आकर्षण के केंद्र रहेंगे। जी, हम लोग महाशिवरात्रि के दिन एक 42 फुट ऊंचा एक टेम्प्रेरी शिवलिंग बना रहे हैं और 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग बनेंगे, रुद्रिक जिसे कहते हैं, और साथ साथ में वहां पे 15,600 स्क्वायर फुट की एक रंगोली बन रही है। 51 शक्तिपीठ का एक सिंबॉलिक, उसकी भी हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली ये है एक उद्देश्य कि जो हम लोग कोरोना काल से निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऊपर वाले से दुआ करें कि अब हमें आने वाले टाइम में हम लोग आराम से रह सकें, शांतिपूर्वक हमारा शहर बस सके। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग इस चीज़ के थ्रू कभी इंडिया रिकॉर्ड में चले गए तो हर बार जो हर जगह मिर्ज़ापुर का नाम बदनाम किया जाता है कई सीरियल्स में, तो हम चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर का नाम दूसरे चीज़ों में भी तो जाए कि नहीं, यहाँ पे कुछ और भी होता है, ना कि सिर्फ ये चीज़ होता है। जी, हम सबका यही उद्देश्य है कि जैसा कि ये माना जाता है कि मार्च में फागुन के महीने में नया साल शुरू होता है, तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि ये साल सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों के मन में भी उतार चढ़ाव आए, जिसका कारण ये था कितने लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए, कितने लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत उतार चढ़ाव देखे। तो अब हम लोगों की बस एक ये सब एक महायज्ञ कर रहे हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर, शुभ अवसर पर, और हम लोगों की बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि साल सबके लिए अच्छा हो। और हमारे टीचर्स, हम लोग मिल के एक ये प्रयास कर रहे हैं कि मिर्ज़ापुर का नाम हम ना सिर्फ एक राष्ट्रीय लेवल पर, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लाएं। और एक ये प्रयास है कि हमारा एक लिम्का 4th रिकॉर्ड भी हम सेट करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के सिविल लाइन स्थित रहमतुल्ला अलैह घोड़े शहीद बाबा का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस साल के उर्स में जायरीनों का तांता लगा रहा। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस बार पिछले कई सालों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा है, हम दुकानदार बहुत ही खुश हैं। वहीं जायरीनों ने रात भर कव्वाली का पूरा ही आनंद लेते हुए दिखाई दिए। Thank you.
भीख मिल रही है ख्वाजा से, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के बसंत विद्यालय इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के मंडली सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मंडल में आए हुए नवागत शिक्षकों का सम्मान समारोह हुआ। साथ ही साथ शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं जैसी पुरानी पेंशन योजना, चिकित्सा सुविधा, वित्तहीन शिक्षकों की सेवावृत्ति, यह भी कहा गया कि अगर हमारी मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कार्यक्रम में मिर्जापुर सोनभद्र भदोही के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री शामिल हुए। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह पटेल। आज जो मंडली जो सम्मेलन चल रहा है वो हर 40 का कार्यक्रम किया जाता है। ये अध्यापकों की जो समस्याएँ होती है और उनके ऊर्जा बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी वर्तमान में 3 बिंदु विशेष है, जो नवागंतुक जो आयोग के चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अध्यापक आए हुए हैं, उनका 4 महीने से सत्यापन के नाम पर भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़, एक और सबसे खराब चीज़ होने सरकार ने किया, एक माध्यमिक अधिनियम बनाने जा रही है अधिकरण, कि अब कोई भी बातें होगी तो अधिकरण के न्यायालय में हमारा मुद्दा जाएगा। अगर वहां से अध्यापकों के विरुद्ध कोई फैसला हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं उसको कुछ सुनवाई नहीं है।